नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। लघु वेतन कर्मचारियों ने 22 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी नहीं हुई तो भोपाल आकर बताएंगे महिला शक्ति क्या होती है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में बड़ा फेरबदल, बदले गए कांग्रेस के 64 अध्यक्ष। दुष्कर्म पीड़िता को बदनाम करने आरोपी ने पूरे गांव में चस्पा कर दी, अपने साथ ली गई तस्वीरें। खबरें अब विस्तार से। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, बदले गए जिला एवं ग्रामीण अध्यक्ष। गुरमीत सिंह मंगू की जगह लखनलाल खंडेलवाल और त्रियुगी नारायण की जगह राजेंद्र शर्मा को जिले की कमान। आपको बता दें कि कांग्रेस के नवनियुक्त शहर और जिला अध्यक्ष ने ठोकी 2023 के चुनाव की ताल, किया जीत का दावा। जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा का दावा, बोले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं आएगा काम। शहर अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्ता है पार्टी की रीढ़, मिलकर करेंगे काम। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने रविवार को कांग्रेस पदाधिकारियों की भारी भरकम लिस्ट जारी की, जिसमें प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियों के टीम की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने रीवा जिले में बड़ा बदलाव करते हुए शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के पद पर बदलाव करते हुए ये नई जिम्मेवारी अपने पुराने ही लोगों को सौंपी है, जिसमें शहर अध्यक्ष की कमान लखनलाल खंडेलवाल को सौंपी गई तो वहीं जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को दी गई है। आपको बता दें कि इंजीनियर राजेंद्र शर्मा एक ऐसा नाम है जो कांग्रेस के सबसे साफ और स्वच्छ छव के लोगों में शुमार है, और इन्होंने रीवा की मेयर सीट के चुनाव में भीष्म पितामह की भूमिका निभाते हुए बीजेपी के 3 दशकों के किले को धराशायी करते हुए कांग्रेस को जीत दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में रीवा विधानसभा सीट का प्रत्याशी भी माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस से टिकट के दावेदार तो कई हैं, लेकिन टिकट इसे मिलता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दरअसल आज हम रीवा कांग्रेस के नवनियुक्त शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई बातचीत के कुछ अंश दिखाने जा रहे हैं, जिसमें दोनों ही पदाधिकारियों ने पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेवारियों को पूरी लगन और मेहनत के साथ निर्वहन करने का वादा किया है और आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने का भी दावा किया है। वहीं इस अवसर पर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने दोनों अध्यक्षों को बधाई दी। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। सबसे पहले मैं कांग्रेस के अपने नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी को, हमारे देश की नेता कांग्रेस पार्टी की माननीय सोनिया गांधी जी को, माननीय श्री राहुल गांधी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी संगठन पे नियुक्ति की, हम पे ये विश्वास किया कि हम कांग्रेस पार्टी को इस पद पे रहकर कांग्रेस पार्टी के कार्यों को करें और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम जनता की सेवा करें। हमारी प्राथमिकताएं होंगी कि जो पार्टी के द्वारा हमें समय समय पे दिशा निर्देश मिलेंगे, जो कार्यक्रम मिलेंगे, उसको हम ग्रॉस रूट लेवल पे, ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन करें। परिस्थितियाँ बदल गई हैं, जनता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से असंतुष्ट है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम रीवा जिले की 8 में 8 सीट में कांग्रेस का परचम लहराएंगे, कांग्रेस को विजयश्री दिलाएंगे। कौन सामने है इसकी हम चिंता नहीं करते, हम इस बात की चिंता करते हैं कि हमको किस तरीके से जीत हासिल करनी, सो हम जीत हासिल करने का प्रयास करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि जीत होगी। लोग भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुके हैं, उन नेताओं से ऊब चुके हैं जिन्होंने सत्ता के सहारे रीवा की ज़मीनें बेच दी, रीवा की सारी योजनाओं को ख़राब कर दिया। यहाँ जो सरकारी पैसा केंद्र सरकार का आया, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार का आया हो, चाहे वर्तमान केंद्र सरकार का पैसा आया हो, वो भ्रष्टाचार की पूरी भेंट चढ़ गया। प्रयास हम लोगों का जिस स्तर का था उससे बढ़ा चढ़ा प्रयास मिलेगा। पूरा हमारा नेतृत्व एक है, हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे साथी हम लोग एक हैं और सब मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जैसा हमने महापौर के चुनाव में सबने मिलजुल कर लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारी टीम जो तैयार है, पन्ना प्रमुख, वार्ड अध्यक्ष, सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक और
अध्यक्ष, ये सारी टीम पूरी तैयार है, बस केवल थोड़ा बहुत चार्ज करने की आवश्यकता है। और सभी के मांग निर्देशन में, सभी के आशीर्वाद से, बड़े लोगों के और सहयोगों के साथ लेके हम लोग उस टीम को चार्ज करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाला समय ये बताएगा कि कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी से लोग भारतीय जनता पार्टी ने उबा दिया है, लोग नहीं हुए, खुद ही उबा दिया है। इस तरह से झूठी वादे और घोषणाएं उन्होंने किए हैं कि अब तो लोग बाग शिवराज जी को देखना पसंद नहीं करते टीवी। तनाव मुक्त परीक्षा को लेकर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में आयोजित हुई चित्रकला प्रतियोगिता, सैकड़ों बच्चों ने लिया भाग। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की छात्रा का परीक्षा में चर्चा विषय पर चयन, पहले राउंड को किया पास, प्रधानमंत्री से होगी बात। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा विषय की शुरुआत की गई है, जिसके लिए देश भर के विद्यालयों में इसका आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2023 की परीक्षा पर चर्चा के लिए रीवा के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा प्रियंका मिश्रा का चयन हुआ है, जो पहले राउंड को पास कर लिया है। शेष दो राउंड के कंपटीशन में सफलता मिलने पर प्रधानमंत्री से चर्चा के लिए उनका चुनाव होगा। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 नवोदय विद्यालय के साथ अन्य विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें पेंटिंग चित्रकला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि परीक्षा पर चर्चा विषय का उद्देश्य है कि परीक्षा को तनाव में नहीं बल्कि एक उत्साह के रूप में देखा जाए, तनाव मुक्त रहकर छात्र छात्राएं परीक्षा दें। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में विद्यालय की प्राचार्या ने बताया कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और गौरव की बात है, केंद्रीय विद्यालय की छात्रा का चयन हुआ है। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की झलकियां और सुनाते हैं विद्यालय के प्राचार्य ने पूरे कार्यक्रम के संबंध में क्या जानकारी दी। एक्चुअली परीक्षा पे चर्चा हर साल बच्चों को तनाव मुक्त रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और इस साल परीक्षा पे चर्चा 6.0 के तहत 23 तारीख आज हर ज़िले में एक पेंटिंग या चित्रकला की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जी की जो पुस्तक है NBT के द्वारा पब्लिश की हुई एग्ज़ाम वारियर, इसके विभिन्न मंत्रों के ऊपर हमारे जिले के कई विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन मंत्रों के ऊपर वो अपनी चित्रकला के द्वारा अपनी जो भी परीक्षा है उसको एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं या तनाव मुक्त रहने के लिए उसके अपने विचार चित्रकला के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी आपके स्कूल की एक बच्ची भी सिलेक्शन हुआ है? हाँ जी जी जी, हमारे विद्यालय की एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ है परीक्षा पर चर्चा के लिए और वहाँ पे तकरीबन 3 राउंड है। फर्स्ट राउंड उसने क्लियर किया है और दिल्ली में गई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो अगले 2 राउंड्स और भी क्लियर करके प्रधानमंत्री जी से उनका मुलाकात होगी और बच्ची आगे जाएगी। क्या नाम है? रेणुका मिश्रा है, विद्यालय की 9th क्लास की बच्ची है। आज चित्रकला प्रतियोगिता में कितने विद्यालय के छात्रों ने भाग लिया? इस चित्रकला प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, क्रमांक 2, इन दोनों विद्यालयों से 10-10 बच्चे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय से 10 बच्चे हैं और इसके अलावा 14 अन्य विद्यालय जो हमारे इस रीवा जिला के हैं, इसमें प्रत्येक 14 विद्यालयों से 5-5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसमें जजेस कौन हैं? हमने बाहर से जजेस बुलाए हैं और इसमें हायर एजुकेशन से जजेस लिए गए हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। महालक्ष्मी पांडे, मैं प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा। दुष्कर्म पीड़िता को बदनाम करने जेल से छूटे आरोपी ने पूरे गाँव में चस्पा कर दी अपने साथ की तस्वीरें। आरोपी ने 2 अलग अलग लड़कियों की तस्वीरें चस्पा कर बदनाम करने की कोशिश, पुलिस ने दर्ज की FIR। आपको बता दें कि रीवा में लड़कियों को बदनाम करने का मनचले युवक ने बेहद ही अजीब तरीका अख्तियार किया है। आरोपी ने गांव की ही 2 अलग अलग लड़कियों की अपने साथ तस्वीर नुमा पोस्टर बनाकर पूरे गांव में चस्पा कर दिया है। गांव में लड़कियों के पोस्टर की चर्चा आम होते ही पुलिस ने मामले का पता लगाया, जिस पर पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जिन लड़कियों की तस्वीरों को चस्पा किया है उनमें से एक दुष्कर्म पीड़िता है, जबकि दूसरी लड़की मारपीट की घटना से पीड़ित है और इनके साथ घटना को अंजाम देने वाला आरोपी ही तस्वीरों को पोस्टर बताकर चस्पा कर रहा है। बताया जाता है कि आरोपी दुष्कर्म और मारपीट के मामले में हाल ही में जेल से छूटा है और उसने पीड़ित लड़कियों को बदनाम करने का ये अजीबोगरीब तरीका अपनाया है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक की सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला जिले के नई गढ़ी थाने का है, जहाँ थाना क्षेत्र के बहुती गाँव में एक मनचले ने ही
दो अलग अलग लड़कियों की फोटो को अपने फोटो के साथ सार्वजनिक जगहों पर चस्पा कर दिया। थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि लक्की सिंह नाम के आरोपी ने दुष्कर्म पीड़ित लड़की सहित मारपीट की घटना से पीड़ित लड़की की फोटो को अपनी फोटो के साथ पोस्टर बनाकर गांव के सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर दिया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में पीड़ित लड़कियों ने एक दुष्कर्म की शिकायत की थी, जबकि दूसरी ने मारपीट का आरोप लगाया था। उक्त दोनों ही मामलों में कार्यवाही के बाद जेल से छूटते ही आरोपी ने पीड़ित लड़कियों को बदनाम करने की एक बार फिर कोशिश की है और उनकी फोटो को सार्वजनिक जगहों पर चस्पा कर दिया है। मामले में एक बार फिर दुष्कर्म पीड़ित लड़की ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध रजिस्टर्ड कर लिया है और उसकी सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है। पुलिस ने फिलहाल गांव के सार्वजनिक जगहों पर चस्पा की गई फोटोज को निकलवा दिया है और आरोपी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। आइए सुनते हैं एडिशनल SP अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। थाना नईगढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत नईगढ़ी गांव में ही एक लड़के ने अपने पूर्व दोस्त के साथ कुछ फोटो उतरे थे, उसने उस फोटो को 2-3 जगह उसको चिपका दिया था। इसकी सूचना जब पीड़िता के द्वारा पुलिस को दी गई, पुलिस ने तत्काल जो है कार्रवाई की है, इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसको आरोपी को जो है राउंड अप कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। सर, आप जानकारी मिल रही है कि आरोपी अभी कुछ दिन पहले ही छूट गया था। आरोपी का जो पिछला इतिहास है उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है, कितने अपराध उसके पंजीबद्ध हैं और कहाँ कहाँ पंजीबद्ध हैं, तदनुसार जो है कार्रवाई उसके लिए की जाएगी। दोस्त ने ही उतारा था दोस्त के सीने में खंजर, रीवा न्यायालय ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 10 वर्ष पूर्व हुई थी हत्या, अनैतिक संबंधों ने गहरी दोस्ती में डाली थी दरार और खौफनाक अंजाम आया सामने। आपको बता दें कि एक दोस्त को दोस्ती में दगा करने की सजा मौत के रूप में मिली, तो वहीं दूसरे दोस्त को न्यायालय ने कत्ल के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा सुना दी। घटना आज से ठीक 10 साल पूर्व की है, जिसकी सुनवाई करते हुए रीवा जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल ये घटना आज से 10 वर्ष पूर्व रीवा जिले के रायपुर करचुलियान शाह थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जब एक दोस्त ने अपने एक साथी के साथ मिलकर अपने जिगरी दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया था। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक DN मिश्रा ने बताया कि 1 मार्च 2009 को आरोपी आदित्य वर्मा ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। बताया गया है कि आरोपी आदित्य वर्मा अपने साथी रब्बा उर्फ राजेश के साथ मिलकर अपने ही जिगरी दोस्त विजय सोंधिया की हत्या कर दी थी। उसके शव को ग्राम महसुआ स्थित इनारे में फेंक दिया था, जिससे दुर्गंध आने पर 20 मार्च 2009 को शव बरामद किया गया था। घटना के मुख्य आरोपी सहित उनके साथी का आरोप सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने इस पूरे घटना में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें से एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। इस हत्याकांड में खास बात यह है कि आरोपी और मृतक दोनों आपस में गहरे दोस्त थे, जो एक साथ काम भी करते थे, लेकिन कुछ अनैतिक संबंधों ने दोस्ती जैसे रिश्ते को तार तार कर दिया और बात हत्या जैसे गंभीर अपराध में जाकर खत्म हुई। फिलहाल इस पूरे मामले में न्यायालय ने देर से ही सही लेकिन इंसाफ दिया है और दोस्त की हत्या के आरोप में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रस्तुत है लोक अभियोजक DN मिश्रा से बातचीत के अंश। आरोपी इसमें आदित्य वर्मा है, ये थाना रायपुर करचुलिया का मामला है। इस प्रकरण में फरियादी चंद्रभान सोदिया पुत्र विजय सोदिया थे, ये माने इस मामले के 3 मुलजिम थे, जिसमें महेश मशीनरी स्टोर बस स्टैंड रीवा में ये तीनों लोग मिस्त्री का काम करते रहे और 1-3-2009 को शाम को 5 बजे ये काम करने के बाद तीनों व्यक्ति घर से निकले और सिरमौर चौराहे तक 707 रहे और फिर सिरमौर चौराहा जाने के बाद मृतक जो है अपने साथियों को ये बताया कि मुझे निमंत्रण खाने के लिए कहीं जाना है और जब वो देर रात तक नहीं आया तो उसके परिजन इस बात का पता लगाए कि भाई रिश्तेदारों के यहाँ यदि कह के गया है तो आखिर गया कहाँ।
कायम कराया। थाना सिविल लाइन में गुम इंसान क्रमांक 13/2009 कायम किया गया और उसकी तलाश थाना सिविल लाइन की पुलिस करती रही। दिनांक 20/3/2009 को सुबह लगभग 8 बजे थाना रायपुर करछुलियान अंतर्गत नंदलाल कुशवाहा गोपाल सिंह के बगीचे में पौधों को पानी लगाने का काम कर रहा था। दोपहर 12 बजे जब खाना खाने के लिए घर गया तो वहां पर मवेशी चराने वाले कन्हैया कोल ने बताया कि इदारा के पास से बहुत तेज बदबू आ रही है और एक व्यक्ति का शव इदारा में उतरा रहा है। तब नंदलाल कुशवाहा अपने गांव के प्रभाकर सिंह को ये बात बताई। इसके बाद ये बात थाना रायपुर करछुलियान तक पहुंची। थाना रायपुर करछुलियान ने मर क्रमांक 13/2009 अंतर्गत धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मर्ग कायम किया। श्री आर के शर्मा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में विचारण हेतु इस मामले को भेजा। वहाँ पर मैंने इस मामले की पैरवी की और 18 साक्षियों के साक्ष्य मेरे द्वारा कराया गया, जिस पर से ये मामला प्रमाणित हुआ। महत्वपूर्ण बात ये थी, ये मुलजिमगण इसको उठा करके ले गए थे और साक्ष्य को मिटाने के लिए इन लोगों ने एक चद्दर और रजाई के अंदर इसकी बॉडी को, माने पहले तो धारदार हथियार से मारा, इसको चोट लगी और इसकी आंत बाहर आ गई, तो उसको लपेट करके रजाई और उसके ऊपर एक चद्दर और रस्सी से बांध करके इसको ले जा करके इदारा में फेंका था। दोषी पाया और 302 और 201 दोनों अपराधों में इसको दोषी पाया। 302 में इसको आजन्म कारावास, हत्या लेन देन के विषय में थी क्योंकि ये आपस में एक ही जगह काम करते थे और रंजिशन इन लोगों ने इसको मार करके और साक्ष्य को मिटाने के लिए इसको बांध करके और कुएं में फेंक दिया, लेकिन पुलिस की तत्परता से ये मामला खुला और न्यायालय ने आदित्य वर्मा को आजीवन कारावास की सजा। रीवा में लघु वेतन कर्मचारी महिला ने कहा, मांगे पूरी नहीं हुई तो भोपाल में आकर बताएंगे कि महिला शक्ति क्या होती है। नियमितीकरण की मांग को लेकर लघु वेतन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि इस समय पूरे प्रदेश में आंदोलन, प्रदर्शन और धरने का दौर जारी है। कहीं संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं तो कहीं कार्य से बाहर किए गए कर्मचारी काम वापसी को लेकर आंदोलनरत है। अब इसी कड़ी में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता भी शामिल हो चुकी है, जिनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। इस दौरान महिलाओं ने काले गुब्बारे उड़ाकर विरोध भी जाहिर किया। लघु वेतन कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी अध्यक्ष ने यहां तक कह डाला कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो भोपाल में आकर बताएंगी कि महिला सशक्तिकरण और महिला शक्ति क्या होती है। आपको बता दें कि लघु वेतन संघ कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश में लगभग 1,25,000 रिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को आउटसोर्स से भरने की तैयारियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए और नियमित पदों के अधीन नियमित सेवा में भर्ती की जाए। इसके अतिरिक्त पदोन्नति को समय समय पर लागू किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल करते हुए नवीन पेंशन स्कीम वापस ली जाए। ज्ञापन सौंपने आई लघु वेतन संघ कर्मचारियों में शामिल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्ष 1975 से आंगनवाड़ी की स्थापना हुई और तब से वो मानदेय पर काम कर रही हैं, लेकिन अब उन्हें वेतन मान चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी 22 सूत्री मांगे हैं जिस पर उन्हें केवल अभी तक आश्वासन ही मिला है। यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनका ये आंदोलन उग्र होगा और भोपाल तक इसकी गूंज सुनाई देगी। प्रस्तुत है प्रदर्शनकारियों से प्राप्त जानकारी के अंश। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार यही मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए। हम महिला कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण है, लेकिन सशक्तिकरण नहीं है, ये तो घोर अपमान है। सबसे ज़्यादा अगर काम लिया जाता है महिला बाल विकास में काम लिया जाता है, 62 वर्ष में तो कर्मचारी मानते हैं रिटायर कर देते हैं, लेकिन एक टुकड़ा दे करके रिटायर करते हैं। तो हमें ये मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से चेतावनी मान लें, चाहे हमारे ये हमारी विनम्र विनती मांग लें कि अगर इन्होंने हम लोगों को नियमित आंगनबाड़ी आशा को नियमित नहीं किया, हमारी मांगे नहीं मांगी, तो आने वाला समय इनके लिए सही
ही नहीं रहेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर और एक आशा वर्कर जो होती है हर एक हितग्राही से डोर टू डोर सर्वे करती है। तो अगर हम शासन की योजनाओं को डोर से डोर पहुंचा सकते हैं तो हम शासन को गिरा भी सकते हैं। यही हम करेंगे कि अगर हमारी मांगे नहीं मांगे गई तो हम डोर टू डोर यही करेंगे कि इस यानी शासन को गिराया जाए। ये अच्छी नहीं, हमारे हित में नहीं है, ये महिला विरोधी है। ये जो सबसे ज़्यादा जो शोषण होता है सिर्फ आंगनबाड़ी में ही होता है। आंगनबाड़ी जो होती है एक गांव का मिरर होती है, आईना होती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं काम करती है, लेकिन काम के लिए सिर्फ यही है हम लोगों को मानदेय मना के रखे। 75 से इसकी स्थापना हुई है तब से हम लोग मानदेय पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमको मानदेय नहीं चाहिए, हमको वेतन चाहिए। आशा और आंगनबाड़ी को दोनों के परमानेंट करें, नहीं तो मेरी तो सख्त चेतावनी है कि भोपाल में इनको हम आकर के बताएंगे कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है, महिला शक्ति क्या होती है। क्या नाम है जी? मेरा नाम सरिता मिश्रा है, लघु वेतन कर्मचारी संघ की मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ और मेरी ये अध्यक्ष है सुधा त्रिपाठी जी। आज मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के समस्त 52 जिलों में दूसरे चरण का ज्ञापन सौंपा गया है। हर संभाग में कमिश्नर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे सभी जिले के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और ब्लॉक तहसील के सब यहाँ पधारे हुए हैं और हमारी जो मांगे हैं वो मूल रूप से पुरानी पेंशन बहाल करते हुए एनपीएस को समाप्त करना, भृत का पदनाम परिवर्तित करते हुए सहायक कार्यालय सहायक रखना, पदोन्नत नीज 2016 का मसौदा तैयार कर पदोन्नत करना, आउटसोर्स प्रथा समाप्त कर नियमित नियुक्ति करना, स्थायी कर्मियों को विनियमितीकरण का लाभ देना, केंद्र के समान 1300 के स्थान पर 1800 ग्रेड पे करना, मूल रूप से हमारी ये मांगे हैं और बहुत सारी मांगे हैं जो माननीय कमिश्नर साहब को हमने सौंप दिया है और सर ने आश्वासन दिया है उसे शासन को भेजा जाएगा। फ्लाईओवर निर्माण से रोजाना हो रहा लाखों का कारोबार प्रभावित। सिरमौर चौराहा स्थित फ्लाईओवर के थर्ड लेग का हो रहा है निर्माण, सैकड़ों दुकानदारों का व्यापार हुआ चौपट। आपको बता दें कि रीवा शहर में सिरमौर चौराहा स्थित जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर के थर्ड लेग का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते सिरमौर चौराहे से यूनिवर्सिटी एवं नीम चौराहा जाने वाले मार्ग को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। इसमें न तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया है, इसकी वजह से वहां करीब 100 से अधिक दुकानदारों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि फ्लाईओवर के निर्माण के बाद उन दुकानदारों को हटाकर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है, जिसको लेकर भी विरोध चल रहा है। इस फ्लाईओवर के निर्माण से मार्केट, सब्जी मंडी और अन्य विभाग भी प्रभावित हो रहे हैं, वहीं रोजाना कारोबारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। फ्लाईओवर के निर्माण से जहां सैकड़ों व्यापारियों का धंधा चौपट होगा, वहीं ठेला लगाने वाले गरीब लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट के बादल गहरा जाएंगे। इसके साथ ही शहरवासियों को भी तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हर रोज कॉलेज एवं स्कूली छात्रों को उन्हीं मार्गों से निकलना होता था, जिसकी वजह से अब वो 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय करके अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। वहीं सैकड़ों ग्राहक मार्केट में खरीदारी करने आते थे, परंतु फ्लाईओवर के निर्माण से सब कुछ प्रभावित हो गया है, जिसकी वजह से हर वर्ग के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्तुत है व्यापारियों से प्राप्त जानकारी के अंश। तो ओवरब्रिज बनाया जाए लेकिन थोड़ा सा रास्ता खोल दिया जाए पब्लिक आने जाने के लिए, टू व्हीलर है, पैदल आने जाने वालों का है, लेकिन ग्राहक ही बहुत प्रभावित है। ग्राहक आ नहीं पा रहे हैं, रूट डाइवर्ट है, इसके कारण जो है तो ग्राहक उधर से निकल गए। सुबह से आते हैं हम लोग, बस बैठे रहते हैं। पुलिस प्रशासन नहीं आने दे रही सर, पुलिस प्रशासन पूरा बंद की है रोड, तो कहाँ से आने दे रही सर? सर हम कहने लायक तो कुछ है नहीं, हमारी हालत तो आप देख ही रहे हैं, मतलब इधर से भी ब्लॉक है, इधर से भी ब्लॉक है। हाँ ये विकास हो रहा है, ठीक है, हर जगह फ्लाईओवर बनता है, ये पहला फ्लाईओवर रीवा में नहीं बन रहा है, हर जगह बना है। तो हमने यही देखा है कि एक तरफ से रोड खोली जाती है, दूसरे साइड काम किया जाता है। तो हमारी यही निवेदन है, हम निवेदन ही कर सकते हैं उनसे, प्रशासन है वो, कि हमारे एक तरफ से आप रास्ता खोल दीजिए। नहीं खोल सकते आप फोर व्हीलर के लिए, चलिए ठीक है आपको दिक्कत हो रही है, जाम लगेगा, आप मोटरसाइकिल का रास्ता खुलवाइए। तो रास्ता खुलवाएंगे तो 2 पैसे हमारे भी आए होगी, नहीं तो आगे चल के क्या होगा, वही जो होता था, बेरोजगार हो जाएंगे, फिर आगे जाके कुछ और करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।